वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के तहत हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जामों में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम सेल बायोलॉजी के पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। देखो जो जीव विज्ञान शब्द है वो सर्वप्रथम 1802 में उपयोग में लिया गया था, तो ये किसके द्वारा उपयोग किया गया ये हमें बताना है। क्या ये अरस्तु के द्वारा किया गया, थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया, लेमार्क एवं ट्रिविरेनस के द्वारा किया गया और हक्सले के द्वारा किया गया। तो जो जीव विज्ञान शब्द है वो सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में अरस्तु के द्वारा उपयोग में लिया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है। तो जो जीव विज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है, क्या लैटिन से मानी जाएगी या यूनानी या ग्रीक से मानी जाएगी या जर्मन से मानी जाएगी या फ्रेंच से मानी जाएगी। तो जो जीव विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन बताना हमें, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक चार्ल्स डार्विन, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सबर्ग, और सभी कथन सत्य हैं। तो देखो इनमें से असत्य कथन हमें बताना है कौन सा गलत है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु ये कथन सत्य है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स ये भी सत्य है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक चार्ल्स डार्विन ये भी कथन सत्य हैं, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सबर्ग ये भी कथन सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है क्या कहलाएगी। तो जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना की बात करें, उसके कार्यों की बात करें और कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हैं, तो वो विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाएगी, क्या वो फाइकोलॉजी होगी या माइकोलॉजी होगी या साइटोलॉजी होगी या हिस्टोलॉजी होगी। तो वो कौन सी शाखा होगी, वो हो जाएगी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी। देखो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ल्यूएन हॉक ने की थी या अरस्तु ने की थी। तो जो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था और कब देखा था, 1676 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा गया था और किसके द्वारा देखा गया, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने देखा या रॉबर्ट हुक ने देखा या ल्यूएन हॉक ने देखा या फोंटाना ने देखा। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले थे ल्यूएन हॉक, और कब देखी इन्होंने, 1676 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे वो कौन थे, क्या वो वॉटसन व क्रिक थे, स्लाइडेन व स्वान थे, मेंडल थे या सट्टन व बोवेरी थे। तो जो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे वो हो जाएंगे स्लाइडेन व स्वान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत में नहीं समझाया जा सका, अर्थात अपवाद है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कौन है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्या वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है या बैक्टीरिया या मनुष्य या शैवाल। तो जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो जाएगा
वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्त सजीवों यानी कि पादप व जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो समस्त सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे, क्या उसे कोशिका कहेंगे, क्या उसे ऊतक कहेंगे, या अंग कहेंगे, या उपर्युक्त सभी। तो समस्त सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होती है कोशिका, सेल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से असत्य कथन को बताना है, गलत कथन को। तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगी, तो ये कथन सत्य है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ये सही है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका हो जाएगी वो जाएगी माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ, और मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो जाएगी तंत्रिका कोशिका, और ये कथन गलत है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। और हमें यहां बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या, जीवाणु है या नीलरी शैवाल है या माइक्रोप्लाज्मा है या उपर्युक्त सभी ही प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु बिल्कुल ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, नीलरी शैवाल ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और माइक्रोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होगा, क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहेगा या केंद्रक कला या केंद्रिका या उपर्युक्त सभी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहने वाला जो कोशिकांग है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, केंद्रक कला भी है और केंद्रिका भी है, यानी कि इसमें आ जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक एवं द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो हमें यहां पर बताना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो किसमें पाई जाती हैं, क्या वो पादप कोशिका में होगी या जंतु कोशिका में होगी या दोनों ए व बी दोनों में या जीवाणुओं में। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा पाई जाएंगी जीवाणुओं में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये किसका कथन है कि नवीन जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण है वो हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होगा, ये कथन किसका है, स्लाइडेन का, स्वान का, रूडोल्फ विर्चो का या कोर्टी का। तो जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है ये कथन हो जाएगा रूडोल्फ विर्चो का, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारकर्ता का नाम बताना है, क्या वो नोल वरस्का या रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन या नन, कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किया था नोल व रस्का ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो देखो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभाजित करेगी, क्या राइबोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया है या सेंट्रोमियर है या सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र है। तो कौन सी कोशिका हो जाएगी, तो वो कोशिका हो जाएगी सेंट्रियोल, तारक
केंद्र, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका जो बाहर का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिकाओं में तो पाई नहीं जाती और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या केंद्रक या केंद्रिका, तो ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, देखो कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी होगी, या सेलुलोज से होगी या ग्लाइकोजन या इन्यूलिन या उपयुक्त सभी से, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक उपयोगी है वह कौन सा है, तो जो कोशिका भित्ति के निर्माण में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा, क्या वो प्रोटीन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट्स है या न्यूक्लिक अम्ल है, तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो पदार्थ है वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है, तो जो सेलुलोज का एक अणु का यदि हमें निर्माण करना हो तो उसमें कितने ग्लूकोज के अणु चाहिए या फ्रक्टोज के अणु चाहिए या गैलेक्टोज के, तो एक सेलुलोज का अणु बनाने के लिए हमें 3000 ग्लूकोज के अणुओं से या 30000 ग्लूकोज अणुओं से या 3000 फ्रक्टोज अणुओं से या 3000 गैलेक्टोज अणुओं से, तो एक सेलुलोज के निर्माण के लिए हमें 3000 ग्लूकोज अणुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।